Assalamu alaikum. Welcome to the channel Mirch Masala. Today we are going to make chicken stuffed potato pakora. जिसके लिए हमें ज़रूरत होगी 3 अदद potato, shredded chicken. इसको मैंने थोड़ा सा नमक और लहसुन डाल के boil कर लिया था. Half teaspoon of salt, यानी के नमक. 1 teaspoon of cumin, यानी के जीरा. 1 teaspoon of black pepper, काली मिर्च, red मिर्च, लाल मिर्च का पाउडर. 1 teaspoon हरी मिर्च. 1 tablespoon coriander leaves. चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं. इसके लिए हमने सबसे पहले आलू को करना होगा कटिंग. सबसे पहले हम आलू की कटिंग स्टार्ट करते हैं. को हमने काटना है बहुत ही पतला. ये हो गया एक. इसके साथ का हम काटेंगे दूसरा पीस. ये हमने स्टार्ट कर दिए हैं आलू कटिंग करने. इनको बहुत बारीक हमने कटिंग करना है और इस तरह एक साइज के ऊपर इसका दूसरा साइज रखना. अब हम चिकन की स्टफिंग स्टार्ट करते हैं. ये लिया हमने चिकन. इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक. नमक हमने बॉईल करते हुए भी शामिल किया था, इसलिए हम लेंगे हाफ टीस्पून. इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ब्लैक पेपर, जीरा, थोड़ी सी हरी मिर्च, हरा धनिया. इसको हम कर लेते हैं अच्छे से मिक्स. अभी हम इसकी स्टफिंग स्टार्ट करते हैं. अब हम इस फिलिंग को आलू में रखते हैं. ये हम उठाएंगे इसका एक पीस. इसके अंदर हम रखेंगे चिकन की फिलिंग को, फैलाएंगे थोड़ा सा और इसके ऊपर दूसरा इसका पीस यूं करके रख देंगे. सेकंड पोटैटो, एक पीस इधर ही पड़ा रहने देना है. फिलिंग हमने यहाँ से उठाकर डाली इसमें. ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको एहतियात से नोट करना है. ये हमने इसको लगा दिया इस पे. इसके ऊपर हम रखेंगे एक पोटैटो और. अब ये बन गया है यूं. इसको हम डिप करेंगे बेसन में और फिर हम फ्राई स्टार्ट करेंगे. इसके लिए हमने ले लिया सेटिंग बाउल. उसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 कप बेसन, नमक, थोड़ा सा लहसुन डालेंगे खुशबू के लिए. इससे इसकी खुशबू बहुत मजे की हो जाती है. इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर. इसका हम तैयार कर लेते हैं जल्दी से बैटर. थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करेंगे. ध्यान रखना है लम्स मत बने इसके अंदर. इसको थोड़ा थोड़ा करके हिला लेते हैं. बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हिलाना है. ये हमारा हो गया बेसन रेडी. अब हम इसमें डिप करेंगे अपने आलू. पकड़ना है हमने आलू को, हाथ रखना है नीचे, इसको डिप कर देना है बेसन के अंदर. इसको छोड़ना नहीं है, इसको जोर से प्रेस करके रखना है. ये इसको खुलने नहीं देना, इस बात का बहुत ध्यान रखना है. यूं इसको पकड़ना है, इसको जोर से प्रेस करके बेसन में हमने डिप करना है. इसके ऊपर आ जाएगा सारा बेसन. इसको हल्के हाथ से यूं करके पकड़ लेंगे. देखिए साइडों से, साइड से सब ये बंद हो चुका है बेसन से. ये हमने ले ली है एक कढ़ाई. इसमें हम शामिल करेंगे ऑयल. तो जी ऑयल हो गया है हमारा गरम. अब हम इसमें अपने पोटैटो को फ्राई करेंगे. याद रखिएगा इसको हमने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना.
तो जी ये हो गया है हमारा फ्राई चिकन स्टर पोटैटो पकोड़ा इज रेडी। हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसको करते हैं सर्व। तो जी ये हो गया है रेडी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी फिलिंग। ये देखिए चिकन पक चुका है, आलू पक चुका है, अच्छा सा कलर इसको आ चुका है। ये हमने चाट मसाला स्प्रिंकल कर लिया इस पे। जल्द ही हम एक न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।